ये कैसा है वाला? ये तो देख बिल्कुल नहीं था, हट नहीं था, ये वो तो ऑप्शन नहीं था, बट सही लग रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड निच्छा टीवी के एक और धारावाहिक में आप लोगों का स्वागत है। मेरे को सब याद रहता है। और क्या बोलते हैं इसको, आज क्या डेट है, डेट क्या है, आज है 31 जनवरी। और हम ऐसी रैंडमली आज व्लॉग बना रहे हैं कि बस ऐसी मस्ती वस्ती कर रहे थे। और मैं यहाँ खा रहा हूँ पनीर, और पनीर का टेक्सचर चेक करो भाई, ये देखो ओ मास्टर शेफ क्या सॉफ्ट है भाई, ऐसा सॉफ्ट पनीर देखा है आपने कभी? कमेंट करके बताना। और ये रही आदु, आदु हेलो तो कह दो। आदु आप क्या खा के हटे हो अभी? मैं क्या खाया था आपने? अपने मुंह में भी लगाया हुआ अभी तक, क्या खाया आपने? क्या खाया था? पनीर खाया था? नहीं पनीर तो नहीं खाया, पनीर तो पापा ने खाया है। क्या खाया था? अच्छा गाइस को हेलो तो कर दो, मेरे से भी हेलो करा दो। हेलो गाइस, आगे बस वो आप तो आप बोल चुके, आगे बोल देना। आगे क्या बोल दूं? आगे आगे मैं जा रही हूँ आज। अदु मम्मा क्या कराने जा रही है? हेयर कट। मम्मा के हेयर छोटे हो, बैठे बैठे प्लान बनाया हमने की हेयर कट कराना है बेसिकली। क्योंकि एक्चुअल में ना वो याद है आपको, एक व्लॉग में आपने देखा होगा कि हमने ना मैडम के कलर जो थे वो ब्लैक, जो बाल जो थे वो रेड कलर के करे थे, ठीक है। अब इधर आगे आना जरा, इधर आओ। ये एक्चुअल में ना रेड कलर से ना अब ये, अरे वो ब्लीच किया, ये ना ब्राउन रह गया, जैसे भैंस की पूंछ सी नहीं होती जैसे, ये वैसे रह गई है। तो मेरे को कह रही अब मैं इनका क्या करूं, इनको दोबारा कलर कर लूं? मैंने कहा मत कर इनका, बैठे बैठे मैंने इलाज बताया कि अब हेयर कट कराओ, तो आज होगा हेयर कट। बट मैं इतने छोटे भी नहीं करा दूंगी कि सारे। कितने छोटे कराएगी? मैं कराऊंगी मैक्सिमम इतने, मैक्सिमम इतने, पता आगे लेयरिंग वगैरह करा लूंगी, बट इतनी इससे ज्यादा लेंथ कम नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, मेरे को आदत नहीं है। मैंने आखिर पता छोटे बाल कब करे थे? कब करे थे मेरे को याद है वो, बात तो नहीं करे, नहीं शादी से पहले करे थे, इसलिए मेरे को बहुत छोटे नहीं करने। मेरे को डर लग रहा है, जब भी हेयर कट कराओ ना उनको बोलो आप इतने करने को, वो कर इतने देते हैं। उस टाइम गीले होते तो सही लगते, जब बाल ड्राई हो जाते ना ऐसे लगते इतने छोटे हो गए। ये तो है, मैं रोने लग जाऊंगी अगर मेरे बाल कब ज्यादा छोटे कर। चलो गाइस आज आपको रोते हुए भी दिखाएंगे मान के। ये देखो ये आदू की नई बुक आई है, और ये कॉन्सेप्ट देखो कितना अच्छा है। हाँ ये चीज दिखाओ कि जैसे ये है, ये अलग अलग बुक्स है, तो इसमें ना आप ये कर सकते हो, जैसे ये पूरा निकल के आ जाता है। अब बच्चे को सारे निकाल के दे दो, ठीक है, ये ग्रैंड दादी दादू। अब आदू लगा के दिखाइए, आदू लगा के दिखाओ, सारे लगा के दिखाओ, कहाँ पे लगेगा, कौन कौन, ये कौन है दादू, और आगे दिखाओ ये कौन है दादी। हाँ, और ये कौन है? मम्मा है ये, वेट, और ये कौन है? पापा। ये हैंडसम से कौन है आदू, जो स्मार्ट से है ये कौन है? ओ हैंडपंप। ओ हैंडपंप, हैंडसम बोला मैंने तो, हैंडसम बोला, हैंडपंप है इसलिए मैंने हैंडपंप बोला, मैंने तो हैंडसम बोला, हैंडसम। आदू इसमें सबसे ब्यूटीफुल कौन है? पापा। ये यस, पापा ब्यूटीफुल होते हैं, पापा तो बॉय है, बॉय क्या होता है? स्माइली। बॉय स्माइली होता है। आदू सुनो बॉय हैंडसम होता है, ब्यूटीफुल गर्ल होती है जैसे आद्या है। पर हुआ तेरे साथ अभी बुरा, जैसे ना एकदम से वो मीम याद आ गया मेरे को, बुरा हुआ ब्रो। क्यों? ये वो कौन सा एक वो मीम था? क्यों पर ये तो बता दो। वो था ना हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। तूने पूछा कि कौन है सबसे हैंडसम, उसने क्या बोला आदू ने? सबसे अच्छा हाँ ऐसे क्यों पूछा था, तेरे को बोल देती तो अभी इशू बनाती इस बात का। इशू क्या बनाती? अब भक्ति फिरती यहाँ से आगे पीछे अभी ये खत्म करूंगा तभी तो जाऊंगा। ये तो होगा, ऐसा ही होगा। अच्छा डिनर बाहर करा रहे हो तो बात करो। क्या डिनर अगर बाहर करा? किस बात का? कल भी बाहर ही करा था डिनर, अगर याद रहा हो तो, अगर याद हो तो। कल डिनर बाहर से आया था। हाँ। क्योंकि जो 10th क्लास के बच्चे हैं ना, क्योंकि कल मैं लग के 8 बजे शुरू हुई थी, रात को 3 बजे तक मैंने आपके कार्बन एंड कंपाउंड्स के नोट्स बनाए। अब वो नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है, अगर यहाँ पे कोई बच्चा देख रहा है तो वो। पर ये जब तक व्लॉग डलेगा तब तक आ चुका होगा। व्लॉग कब डलता है? संडे। हाँ पक्का। चलो पहले आ जाएगा। ओके लेट्स सी कितना आता है।
अरे यार एक तो ना तुम मेरे को डिमोटिवेट करते हैं डॉक्टर मतलब तो वैसे बच्चे सोच रहे हैं 7 से 3 नहीं मोर मंकी जंपिंग ऑन अ बेड We have just reached और मेरे को ना इतना डर लग रहा है सच बताओ तो मुझे कलर करते हुए इतना डर नहीं लग रहा था जितना मुझे हेयर कट कराते हुए डर लग रहा है क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरे बाल ऐसे इतने प्रकार लेंथ भी खत्म हो जाएगी तो बचेगा क्या बालों में और नोनू अब बाइक पार्क कर रहा है एंड बस फिर तो जाने नोनू ने भी हेयर कट लेना है उसका तो कॉमन सेम ही होता है उसको क्या फ़र्क पड़ता है सो लगाया भी हो गया तो मेरे को छोड़ के पता नहीं कहाँ चला गया वो देखो वो पार्किंग ढूंढ रहा है सब आते तो देख रहे होंगे क्या हो रहा है ये बस आई थिंक लुक्स हमारा और ये लुक सैलून है यहाँ पे मैंने अपने जितनी बार भी हेयर कलर तो खुद किया था लेकिन जितनी बार भी स्मूथनिंग वगैरह सब करवाई है सब यहीं से ही कराती हूँ मैं एंड आज हेयर कट करा हेयर कट शायद यहाँ से मैं फर्स्ट टाइम करा रही हूँ एक बार शायद स्मूथनिंग के साथ कराया था बट अब डर लग रहा है यार अच्छा रिजल्ट आए बस और अच्छा एक चीज़ और होती है जब तक यहाँ पे होते हैं ना सैलून में पूरा ब्लो ड्राई से सेट वेट कर देता है तब तो बाल बड़े अच्छे लगते हैं उसके बाद जब अगले बार जब वॉश होकर जो असली बाल आते हैं ना वो बहुत बेकार लगते हैं तो देखते हैं चलो पहुँच जाए भाई फर्स्ट फ्लोर पर ही है कि मेरे बना सेकेंड फ्लोर पर है देखो फाइनल लुक ही आ रही है ये कैसा है बाल कटवाने तो थोड़े बहुत तो बचे हैं थोड़े तो कटिंग ही है बहुत छोटे लग रहे हो भाई साहब अब लग रही है पक्के टीचर अब लग रही है दिखाइए अच्छा ऐसी होती है टीचर्स हाँ देख अब सही लग रही है तो बहुत छोटे हो गए बट लुकिंग गुड अच्छी लग रही है पर सही है ना सगे है तेरी साइड ब्लीच ब्लीच हटने ही था वो तो ऑप्शन नहीं था बट सही लग रहे हैं अभी अगर लग रहे हैं क्योंकि अभी पूरा वो हाँ तो वो तो तेरे पास एयर रैप है नहीं क्या वो तो मैं तुमको मैंने बता दिया था एयर रैप है फिर तो कोई दिक्कत हाँ तो बस तो क्या दिक्कत है कार्बन चैप्टर के शूट होने का मुहूर्त फाइनली निकल आ चुका है भाई इतने कमेंट्स आए हैं ना कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बता दो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बता दो पर यार सच बताऊं ऐसे 2-3 चैनल जब होते हैं ना तो यार बहुत मुश्किल होता है भाई मैनेज करना हर चीज उस पर भी डाल लो उस पर भी डाल लो उस पर भी डाल लो घर भी निपटा लो सब बहुत मुश्किल होता है भाई ठीक है अच्छा बाल तो देख लो इसके पर अच्छे लग रहे हैं यार पूरे खोल के दिख से चेक तो खराब हां मैं अभी शूट कर रही हूं पूरे अरे एक बार खोल के जब एंड कर रही हूं ना तब अभी से वो पूरे पिनअप वगैरह किए हैं एक बार फिर से जाके कंघी करनी पड़ेगी अरे ये थोड़े से ये अब तो लग रही है पक्की मैथ्स वाली मैम नहीं होती जो स्कूल्स में होती है मैथ्स वाली मैम के स्कूल में ऐसे ही बाल होते हैं उनके हां हां किसी के ऐसे नहीं होते हमारी वाली मैथ्स वाली मैम कैसी थी अच्छे बड़े अच्छे लग रहे हैं वो जो नीचे भैंस की पूछ बनी हुई थी ना वो कट गई मजाक से हटके अब किस बात का वेट हो रहा है स्कैन हो रहे हैं नोट्स किस बात का वेट क्या हो रहा है स्कैन कर रहे हो अब हाँ इसके भाई साहब आप लोग हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं जो भी 10th के लोग हैं किस्मत है भैया मैंने सोच लिया अगली बार से मैं ना इसमें आईपैड उसमें क्या नाम है बड़े लोग बड़ी गल्ला बड़े लोग बड़ी बातें पर उसके लिए ना मैं सोच रही हूँ आईपैड ले लूं नोट्स ना अच्छे आईपैड में बनते हैं अच्छा एमआई के टैब्स में कुछ नहीं होता ओह माय गॉड ये कैमरा रेडी है देखो यहाँ पे मैं तेरा पति होती ना मिनट में दिलाती तेरे को आईपैड का ये ले आईपैड एक मैकबुक और ले तू मैं हूँ तो मेरे को तेरे लक्षण पता ना कैसे है मंगवा ले तेरे को रोका किसी ने मंगवा ले पर जो टैब ऑलरेडी है पहले उसमें करके तो देखो क्या क्या तो कमी है कि क्या कमी है इसमें हाँ मजा नहीं है हाँ वही तुम्हारा हिसाब है वही हाँ बस बन सकते हैं पर पैसे तुम्हारी जेब में फंस रहे हैं मतलब कि खर्चों में
इसमें फॉर्मेट कर दिया कार्ड, ये बॉयज 2 घंटे दिखा रहा है सिर्फ, यहाँ तो 2 घंटे ही बनते हैं। और कितना है, 32 GB का कार्ड है, बड़ा वाला कार्ड ले लो, 64 GB का ले लो कार्ड, और रहने दे यार मजाक से हटके, जहाँ पे पैसे खर्चने को बोल रहे हो वहाँ नहीं खर्चने, कार्ड ले लो। ये तो छोटा ऐसा है, कार्ड आएगा मुश्किल से तेरा 1000 रुपए का, आईपैड आएगा तेरा 25,000 रुपए का, और महंगा आता है बल्कि, कुछ नहीं पता तेरे को, पता होता है नहीं रेट का, 1 लाख का आ जाता है। अच्छा तो 25,000 1 लाख से इतना होता है, पता है 1 लाख कितना होता है, 1 लाख का आ जाता है। हाँ ले ले फिर जा, तू दिलाना, तू ऐसे करना कि नहीं नहीं मैं दिलाऊंगा, हाँ हाँ मैं दिलाऊंगा, तू करना ऐसे, जिस दिन व्लॉग वाले चैनल पे 1 मिलियन हो गया ना, चल मतलब तू कभी भी नहीं दिला रहा मेरे को, जिस दिन व्लॉग वाले चैनल पे 1 मिलियन हो गया उस दिन आईपैड उसी दिन लाके दूंगा, हैंड टू हैंड बिना बोले शॉप पे जाके बोल, मेरे को नहीं चाहिए आईपैड ऐसे, मैं कह रहा हूँ जिस दिन भी बन ले, तू जितने मर्जी, मैं तो टाइम लिमिट भी नहीं दे रहा, कितना होता है, मैं तो टाइम लिमिट भी नहीं दे रहा, मैं तो टाइम लिमिट भी नहीं दे रहा तेरे को, अरे तू कर तो सही एक बार देख, अरे कराए, मेरे को लग रहा है कि सीरियसली नहीं ले रही मेरे को, मैं सोच रही हूँ मेरी कजन आ रही है लंदन से, उससे कोई फायदा ही नहीं है वहां से मंगवाने का, क्यों वहां सस्ते नहीं मिलते, बराबर से है, बल्कि इंडिया में थोड़ा सा और सस्ता ही मिलेगा, सर्च कर ले, करके दो ना, कर चुका मतलब तू ही दिलाने, पिछले साल किया था, पिछले साल इसको मतलब पिछले साल से मैं तेरे को कह रही हूँ, देख लो गाइस कैसे सही है, जब तूने ये लिया था, जब तूने कहा था आईपैड की जरूरत नहीं है मेरे को, ये वाला सही है, चल तभी की बात है, ये ऐसी फालतू बात कभी नहीं, हाँ पता मेरे को, ऐसी फालतू बात कभी नहीं करती मैं, तब तक हाँ ये तब लिया था ना मैंने, जब तक आईफोन नहीं लिया था, तो आईफोन लेने के बाद रियलाइज हुआ ना कि एप्पल के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, अच्छा तो एप्पल का प्रमोशन कर रही है क्या, इस वीडियो में पूरी वीडियो में, वीडियो में देखिए आईपैड मेरे हाथ, पूरी वीडियो में सिर्फ खा ही रहा हूं, अरे तू भूखा ही है ना, पहले मैं पनीर खा रहा था, मैं दाल रोटी खा रहा हूं, तो पहले दिन बदल गया ना, पर ए यार वहां पे अपलोड किया यहां पे आया, बुरा हुआ आपके साथ, तो चलो कोई बात नहीं, ये छोटी छोटी चीजें जब होती ना काम करते, मेरे को बहुत इरिटेशन होती है, अच्छा बहुत ज्यादा हो जाती है, आईडी पे अपलोड है तो कहां से आए, ओखा ही है, ऐसे बाल देखना इसके सही में यार, मेरे से बात मत करना, ये पूछल थी इसकी, ये वाली इतनी बड़ी पूछल थी, ये खत्म हो गई, मेरे को बड़ा मजा आया भाई, मेरे से बात मत करो यार, मजाक से हटके मैं इसको पहले से ही कह रहा था कि ये पूछल कटवा दे बस, ये वाली, उसने कहा नहीं इतनी सी कटा के आऊंगी, वो भैया लिख रहे दिलदार भैया ने कह रहे मैं पूरी काटूंगा, उसके बाद उसने हंस हंस के डाल भी दी चीजें, कह रहा है पहले मेरे से पूछ रहा, मैंने ना जो वैसे हेयर कट दिखाया ना, तो कह रहा कि ये अभी तो हो जाएगा, बाद में जैसे आप हेयर वॉश कर लोगे ना फिर ऐसी लुक नहीं आती, तो कह रहा आप स्टाइल कैसे करते हो, मैंने कहा एयर रैप है, कह रहा एयर रैप है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, बाल छोटे, कह रहा आपको तो एयर रैप से सेट हो जाएंगे, एयर रैप का सुन के उसने इतनी एक एक उंगली और काट दी आज का व्लॉग करते हैं एंड, अपने नए वालों के साथ मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ, एंड मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, कार्बन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जो 10th के बच्चे देख रहे हैं कार्बन चैप्टर आपका मंडे को आ जाएगा, संडे है ना, आज व्लॉग डल रहा है, कल कार्बन चैप्टर पक्का पक्का डल जाएगा, ठीक है, सो वील सी यू इन दी नेक्स्ट व्लॉग, जिन बन लोगों ने अभी लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया कर दो, आदू तो अभी है नहीं जो आपको बोलेगी प्यार से, तो आप खुद ही कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय फॉर नाउ।